गुड मॉर्निंग एवं नमस्ते। आज हम हिंदी विषय में अपनी पहली इकाई दयालु शिकारी चित्रपाठ इसका अभ्यास करेंगे। पहली इकाई चित्रपाठ। चित्रपाठ यानी कि चित्र का अवलोकन करके ज्ञान लेना। तो चित्रपाठ में जो चित्र दिए गए हैं वो एक कहानी है और कहानी से हमें ज्ञान लेना है। ये पहली इकाई दयालु शिकारी, उसका नाम ही दयालु शिकारी है। वैसे शिकारी कैसे होते हैं? क्रूर होते हैं, और क्रूरता के कारण वो क्या करते हैं? पशुओं का, पक्षियों का शिकार करते हैं। लेकिन ये चित्रपाठ में जो शिकारी है वो कैसा है? दयालु है। तो हम ये चित्रपाठ से दयालु शिकारी है वो दयालु कैसे है वो देखेंगे, इसका अभ्यास करेंगे। इकाई एक, दयालु शिकारी। एक बहुत घना जंगल था। एक दिन एक शिकारी उस जंगल में शिकार करने आया। जंगल में उसने एक सुंदर हिरनी को देखा। हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया था। हिरनी और शावक घूम रहे थे। शिकारी हिरनी का शिकार करने के लिए बंदूक से गोली चलाता है। गोली हिरनी की टांग में लगती है। हिरनी भागती भी नहीं और वहीं बैठ जाती है। छोटा शावक भी माँ के पास बैठ जाता है। तो यहाँ पर देखा कि एक बहुत घना जंगल था। वो जंगल में एक दिन शिकारी शिकार करने के लिए आता है। जंगल में उसने एक सुंदर हिरनी को देखा। तब हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया हुआ था। छोटे शावक, शावक यानी जो पशु के बच्चे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? शावक बोलते हैं। तो हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया था। हिरनी और शावक है वो दोनों जंगल में घूम रहे थे। तब शिकारी जब आया तो उसने, उसकी नजर है वो कहाँ पर पड़ी? इस हिरनी पर पड़ी। तो उसने क्या किया कि शिकारी ने हिरनी का शिकार करने के लिए बंदूक से गोली चलाई, और गोली है वो कहाँ लगती है? हिरनी की टांग में लगती है। टांग यानी पैर। तो हिरनी के पैर में गोली लगती है, और हिरनी के पैर में गोली लगने से क्या होता है? हिरनी है वो भाग नहीं सकती, चल नहीं सकती, तो क्या करती है? वहां पर ही बैठ जाती है। छोटा शावक भी माँ के पास बैठ जाता है। अब हम इसका गुजराती अनुवाद देखेंगे कि एक घनघोर मोटू जंगल हतू। ये जंगल में एक दिवस शिकारी शिकार करवा माटे आवे छे। जंगल में ते शिकारी तेने सरस मजानी हरणी ने जोई। हरणी छे ते तेना एक नाना बच्चा ने जन्म आपेलो हतो। હવે હિરણી અને શાવક છે એનો બચ્ચું છે, બે સાથે ફરી રહ્યા હતા। ત્યારે શિકારીએ છે એ હિરણીનો શિકાર કરવા માટે શું કરે છે? બંદૂકથી ગોળી ચલાવે છે, અને એ જે ગોલી છે એ ગોલી ક્યાં લાગે છે? હરણીના પગમાં લાગે છે, અને હરણી છે એ ભાગતી નથી, ત્યાં જ બેસી જાય છે। તેનું બચ્ચું પણ તેની માની પાસે બેસી જાય છે। શિકારી આગળ દેખતે હિરણી કે પાસ આતા હે। उसने देखा कि हिरनी की आंखों में आंसू निकल रहे हैं। अब शिकारी है वो उसके पास आता है, तो वो क्या देखता है? क्यों आता है पास में? पास में इसीलिए आता है कि शिकारी ने क्या किया था? हिरनी पर गोली चलाई थी, और वह जानना चाहता था कि गोली है वो हिरनी को कहाँ लगी है, क्योंकि दूर से तो दिखाई नहीं दिया था। तो पास में आकर देखता है कि हिरनी को गोली कहाँ लगी है। अब वह किस दशा में है वो भी जानना चाहता था। यह जानने के लिए वो क्या करता है? हिरनी के पास आता है। जब हिरनी के पास आता है तो हिरनी को क्या, क्या हिरनी से क्या देखता है? वो हिरनी की आंखों से आंसू निकल रहे देख रहा है, और एक बहुत छोटा शावक उसके पास बैठा है। शिकारी को यह दृश्य देखकर पछतावा हुआ। शिकारी तुरंत हिरनी को अस्पताल ले गया।
डॉक्टर ने हिरनी के पैर में लगी गोली निकाल ली। गोली निकलने से हिरनी स्वस्थ हो जाती है। शिकारी बहुत खुश होता है। वह हिरनी को वापस जंगल में छोड़ आता है। हिरनी और छोटा शावक फिर से जंगल में घास खाने लगते हैं। उसने देखा कि हिरनी की आंखों में से आंसू निकल रहे हैं। एक छोटा शावक है, वो उसके पास बैठ गया है। शिकारी ने यह दृश्य देखकर पछतावा हुआ। पछतावा क्यों हुआ? क्योंकि वो है, वो जो हिरनी एक पशु है और पशु का जो दर्द है वो समझ सकता है और उसे उसको उसने उसका दर्द समझ लिया। तब यह दृश्य देखा तो उसे पछतावा हुआ। तो क्या करता है शिकारी? तुरंत हिरनी को अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर के पास ले गया, तब डॉक्टर है वो पशु के डॉक्टर होते हैं, उसके पास ले जाता है और डॉक्टर ने हिरनी के पैर में लगी गोली निकाल ली। तब गोली निकालने से हिरनी स्वस्थ हो जाती है। शिकारी भी यह देखकर खुश होता है और वो हिरनी को वापस जंगल में छोड़ आता है। हिरनी और छोटा शावक है वो फिर से जंगल में घास खाने लगते है। तो यहाँ पर हमने देखा कि शिकारी ने है वो हिरनी की आंखों में आंसू देखे तो उसको पछतावा हुआ, उसका हृदय परिवर्तन हो गया और वो क्या करता है, हिरनी को अस्पताल ले जाता है डॉक्टर के पास। और डॉक्टर है वो गोली निकाल लेते हैं तो गोली हिरनी है वो स्वस्थ हो जाती है और वो वापस हिरनी को जंगल में छोड़ आता है। तो इस कहानी से हमें ये बताया गया है कि इस धरती पर सभी को जीने का पूरा अधिकार है, उसी प्रकार पशुओं भी इस धरती पर उसको भी जीने का पूरा अधिकार है। मनुष्य को पशुओं के प्रति सद्भावना रखनी चाहिए।